चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी एक अखंड भारत की स्थापना करने में। भारत का सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त चाणक्य के चरणों में गिर गया और उसने उनसे अपना राजगुरु बनकर महलों की सुविधाएं भोगते हुए अपने पास बने रहने को कहा था। चाणक्य का उत्तर था, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा कर्म है शिष्यों को शिक्षा देना और भिक्षा से जीवन यापन करना। क्या आप किसी भी इतिहास अथवा पुराण में धनवान ब्राह्मण का एक भी उदाहरण बता सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी निर्धन ब्राह्मण सुदामा ही प्रसिद्ध हैं। संयोगवश भगवान श्री कृष्ण, जो कि भारत के सबसे प्रिय आराध्य देव माने जाते हैं, यादव वंश के थे, जो कि आजकल ओबीसी के अंतर्गत आरक्षित जाति मानी गई है। यदि ब्राह्मण वैसे ही घमंडी थे जैसे कि उन्हें बताया जाता है, तो यह कैसे संभव है कि उन्होंने अपने से नीची जातियों के व्यक्तियों को भगवान की उपाधि दी और उनकी अर्चना पूजा की स्वीकृति दी? दूसरों का शोषण करने के लिए शक्तिशाली स्थान की, अधिकार संपन्न पदवी की आवश्यकता होती है, जबकि ब्राह्मणों का काम रहा है या तो मंदिरों में पुजारी का और या धार्मिक कार्य में पुरोहित का, या फिर एक वेतनहीन गुरु या अध्यापक का। उनके धनार्जन का एकमात्र साधन रहा है भिक्षाटन। क्या ये सब बहुत ऊंची पदवियां हैं? इन स्थानों पर रहते हुए वे कैसे दूसरे वर्गों का शोषण करने में समर्थ हो सकते हैं? रहिए धर्म की आवाज।